एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज थर्सडे है और आज दिन बनता है मैजिकल वर्ड्स का, यानी कि मैंने काफी सारे स्विच वर्ड्स आपके साथ शेयर किए, इंग्लिश के स्विच वर्ड्स, काफी सारे वैदिक स्विच वर्ड शेयर किए। और अब स्विच वर्ड्स कौन से चल रहे हैं, इटालियन, यानी कि इटालियन मैजिकल चांट्स चल रहे हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं ये सारे रिजल्ट्स जानने को मिलता है तो फिर मैं इंस्टा पे जरूर शेयर करती हूँ और आप लोग भी उनका मजा उठाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि कौन सा स्विच वर्ड यूज करके कितने लोगों को फायदा मिला, तो आप मेरी इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, जो कि मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे आईडीज भी जो होते हैं फेक आईडी है, तो उनमें मत चले जाना, यहाँ पर सीधे दिख जाएगा कि मेरी इंस्टा आईडी कौन सी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती। काफी सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में मेरी आईडी यूज करते हैं, फेक लोग होते हैं और वो नंबर देते हैं, तो वो वहां पर भी आपको फंसना नहीं है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैजिकल चैंट्स रिलेशनशिप के। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे कैसा भी हो, किसी का भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, स्पार्क नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, आइदर कमिटमेंट नहीं है, शादी नहीं हो रही है, या जो भी कोई इशू है, तो रिलेशनशिप के लिए मैं आज एक सुपर पावरफुल आपके लिए चांट शेयर करने वाली हूँ। दूसरा चांट, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कभी कहीं सर में दर्द होता है, कभी कुछ होता है, मतलब आप इस हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस मैजिकल चांट को जरूर सुनिएगा। काफी सारे लोग हैं लोन और डेट्स में फंसे हुए हैं और वो वहां से निकलना चाहते हैं। काफी लोन हो गए, डेट्स हो गए, कर्जे हो गए, पैसा चाहते हैं, तो उस चीज के लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड और दूंगी। लास्ट में स्विच वर्ड दूंगी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको उससे बाहर आना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, और अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो ये स्विच वर्ड याद रखेगा। अब ये स्विच वर्ड आपको 51 टाइम्स चैंट करना है। पूरे दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार करेंगे इंटेंशन के साथ कि आपका वो काम हो रहा है। 51 टाइम्स ओनली आपको करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो ये इसको तरीका होता है करने का। इटालियन मैजिकल चांट्स के लिए कोई रूल्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होते, आप कभी कुछ भी खा सकते हैं। मतलब ऐसा चिकन और इन सब का, नॉन वेजिटेरियन का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना आपको। तो आज के मैजिकल चांट्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले तो ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करते हैं आप लोग में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मेरी हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करें मैजिकल चांट्स। ये भी उतने ही पावरफुल हैं जितने हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं और हमारे इंग्लिश स्विच वर्ड्स हैं। एंजल नंबर, हीलिंग कोड्स भी बहुत पावरफुल हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इटालियन स्विच वर्ड। तो ये सीरीज है, सेकंड या थर्ड आ गई होगी, आप चेक कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। देखो, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्ट होता है, पर अगर एक बार 2 बार आप करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बताने वाले रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो स्विच वर्ड क्या है नोट कर लीजिए। वोसारस मोर्टोस, वोसारस मोर्टोस, ये आपको चांट करना है। इसको 51 टाइम्स चांट करना है, ये सोच के हमारे रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज हैं वो खत्म हो गए हैं। करके देखिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेंगे, जरूर के जरूर, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ये। चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए, यहाँ पे ना अच्छे से एक आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे ना प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लिख दूंगी, तो आप लोग जी प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो आप चाहो तो उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं दूसरे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे लोग इश्यूज फेस करते रहते हैं, कभी ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जल्दी से हेल्थ के लिए स्विच वर्ड नोट कर लीजिए। स्विच वर्ड है इलोहिम हेलिक, इलोहिम हेलिक, इलोहिम हेलिक। सिंपल इटालियन स्विच वर्ड है और आपका हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो खत्म हो जाएगा। आप इन स्विच वर्ड को ना आप पानी के ऊपर 51 टाइम्स बोलकर भी आप इसको पी सकते हो, इससे भी ये बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। और हेल्थ वाले के लिए तो आप जरूर कीजिएगा, या जिसकी भी हेल्थ खराब है आप 51 टाइम्स उसके ऊपर बोलकर आप उसको दे दीजिए, उस बंदे को दे दीजिए या बंदी को दे दीजिए, जल्दी से उसकी सेहत में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं तीसरे स्विच वर्ड की तरफ। अगर आपके बहुत सारे लोन हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मैं वो वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर स्विच वर्ड या चांस लेकर आती हूँ जहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है मेरे पास। मतलब ज्यादातर इसके इंक्वायरीज आती हैं, क्वेरीज आती हैं, पेड कंसल्टेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो आज है डेट्स के लिए भी, अगर आपके लोन हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, तो एक इटालियन स्विच वर्ड नोट कर लीजिए। वन चेस्ता जैसा। इसको भी आपको कितना करना है, 51 टाइम्स करना है। ठीक है, आपको ये सोचना है पैसे आ रहे हैं और लोन्स और डेट हमारे खत्म हो गए। अब चलते हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, वो चाहे बड़ी हो छोटी हो, आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, परेशान हो गए उस प्रॉब्लम के से, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे कोई भी ऐसी इशू। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में और हम निकलना चाहते हैं। कभी कभी डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आज कुछ है कल परसों कुछ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो उसके लिए जल्दी से नोट्स कर लीजिए। हेर मैंने दे ले पादुआ। इसको चैंट करना स्टार्ट करो, जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप तुरंत की तुरंत बाहर आ जाएंगे। ये इटालियन मैजिकल चांट है, इनको कभी भी कर सकते हैं। 51 टाइम्स करना है, याद कर लीजिए, डायरी बना लीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, बताइए उनको। देखिए आपका भी भला होगा अगर आप दूसरों का भला करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।